कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है materialize.css के कार्ड्स के बारे में हम उन्हें बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मटेरियल डिजाइन में कार्ड का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड चला है अभी। पहले क्या होता था, अगर आप बूटस्ट्रैप 3 यूज कर चुके हैं और आप अगर माइग्रेट किए बूटस्ट्रैप 4 में, तो आपको ये पता ही होगा बूटस्ट्रैप 3 में क्या होता है कि क्या होता था, हम लोग पैनल यूज करते थे, वेल यूज करते थे, लेकिन बूटस्ट्रैप 4 में सारा कुछ हटा दिया गया और कार्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया। कार्ड बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और आपको ये बहुत जगह देखने को मिलेगा, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल बनाने में, इसमें क्या रहता है जैसे कंटेंट, इसमें आप दे सकते हैं हेडिंग्स, वेडिंग, कुछ लिंक और इमेजेस, और काफी अट्रैक्टिव लगता है कार्ड। ठीक है, बहुत जगह पे आपको जैसे ब्लॉग वगैरह में या न्यूज चैनल की जो वेबसाइट, वहां पर कार्ड देखने को मिलते हैं, ये काफी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कार्ड्स बनाना कैसा है materialize.css में। तो फ्रेंड्स, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया, जो मेरा कोड एडिटर है। आप अपना कोड एडिटर को ओपन कर लीजिए और मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं जहां से मैंने खत्म किया था। इसको रन कर लीजिए, चलते चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं। और डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया था, जैसे आपको पता होगा मटेरियल या फिर materialize सैंडबॉक्स, और ये रहा इंडेक्स HTML फाइल, बस ये वीडियो था। तो इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिव वाला तो खत्म हो गया सेन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेनर के अंदर जो भी कुछ है मैं उसको रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब कार्ड बनाना कितना सिंपल है, देखो बहुत अट्रैक्टिव बनेगा और बहुत ही सिंपल से बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डिव एलिमेंट लेना है। मैं पर ग्रिड सिस्टम नहीं ले रहा हूं, मतलब रिस्पॉन्सिव कभी नहीं देखते, अभी हम लोग कार्ड पर फोकस करते हैं। सिंपल आपको डिव एलिमेंट लेना है, क्लास ऐड करना है आपको, सिंपली बस कार्ड एक क्लास ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर दो क्लास जाएगा, पहला एक जाएगा कार्ड कंटेंट, इसके क्लास ऐड करेंगे हम लोग कार्ड कंटेंट। ठीक है, और एक क्लास ऐड करेंगे और एक डिवेलपमेंट ऐड करेंगे, मतलब कार्ड जो क्लास है इस डिवेलपमेंट के अंदर दो डिवेलपमेंट जाएगा, कार्ड कंटेंट एक कार्ड एक्शन। बता रहा हूं दोनों में क्या क्या रहेगा, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, डिवेलपमेंट लेते हैं, इसका क्लास भी ऐड करेंगे कार्ड एक्शन। ठीक है, अब कार्ड कंटेंट जैसे नाम से, क्लास का नेम से समझ में आ रहा है, सिंगल कोटेशन हो गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप सिंगल कोटेशन यूज कर सकते हो, डबल कोटेशन हो जाएगा, बट बहुत लोगों को आदत होता है डबल कोटेशन यूज करने का। ठीक है, तो कार्ड कंटेंट में क्या जाएगा, बेसिकली इसमें कंटेंट वगैरह जाएगा और कार्ड एक्शन में लिंक्स वगैरह आएगा। ठीक है, तो कार्ड कंटेंट के अंदर मैं यहाँ पर एक स्पैन एलिमेंट लेता हूँ या फिर कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, जिसका मैं क्लास दे रहा हूँ, टाइटल के लिए हम देते हैं कार्ड टाइटल। ठीक है, और जो है इसके अंदर हम लोग टाइटल देंगे, जैसे दे रहा हूँ माई फर्स्ट पोस्ट, ठीक है टाइटल दे रहे हैं, और इसके नीचे पी एलिमेंट देंगे जो कि जो कंटेंट है सिंपली। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ लॉरम इप्सम 20, ताकि 20 वर्ड का आ जाए। ये देखो हो गया, ये हो गया। अब कार्ड एक्शन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, कार्ड एक्शन के अंदर जाएगा लिंक्स, कुछ भी जैसे आप कार्ड में लिंक्स देना चाहते हो कि शेयर या फिर फॉरवर्ड वगैरह वगैरह, जो कार्ड के नीचे होता है एक्शन वगैरह, कमेंट वगैरह जो भी है। तो मैं यहाँ पर दो लिंक दे रहा हूँ, पहले एक ए टैग लेते हैं, एच डी एफ में कुछ भी नहीं देते हैं बस, ये तो क्योंकि शो के लिए, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ लिंक, और एक ए टैग लेते हैं इसके नीचे, और एच डी एफ में भी मैं इसका कुछ नहीं दे रहा हूँ, सिंपली हैश का मतलब होता है कुछ नहीं, नल जैसा समझ सकते हो। मैं इसका दे रहा हूँ ऐसे अनदर लिंक। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं अपन और देखते हैं रिफ्रेश करके जाके कि ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देखो हुआ ना, ये कार्ड आ गया। ये पूरा इसलिए लिया ना क्योंकि हमने यहाँ पर रिस्पॉन्सिव तो यूज किया नहीं कि हमें 3 कॉलम चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, तो ये 70 मतलब यहाँ तक कंटेनर, क्योंकि हम लोग कंटेनर क्लास यूज कर रहे हैं पेरेंट पे, तो क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा ले, मतलब 70% ये लेता है विड्थ, तो पूरा नहीं गया, फुल स्क्रीन नहीं गया, तो ये 70% का पूरा ले लिया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कोई कॉल S3 S4 कुछ यूज नहीं किया। तो क्या करते हैं, सिंपली मैं कार्ड में, जैसे मैंने पहले बताया कि इस वीडियो में सिर्फ कार्ड पे फोकस करूंगा, रिस्पॉन्सिव कभी नहीं लाते अपन, तो कार्ड क्लास में मैं यहाँ पर स्टाइलिंग कर देता हूँ ना, स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के इसका एक विड्थ सेट कर देता हूँ टेम्परेरी के लिए, विड्थ मैं देता हूँ जैसे 400 pixels, देख लेते हैं कैसा होता है, जैसा होगा एडजस्ट कर लेंगे अपन। ये देखो ऐसा हो रहा, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, 350 तक देते हैं। ठीक है, हाँ ये देखो, तो ये बन गया कार्ड हमारा सिंपल से एकदम अट्रैक्टिव, देखो कितना मस्त बना, ये जो शेडो आ रहा है एकदम लुक ही अलग है, लुक एंड फील इसका पूरा अलग होता है। तो आप जैसे मैं आपको बताया कि कार्ड क्लास के अंदर दो डीप एलिमेंट जाएगा, कार्ड कंटेंट, ठीक है, जिसमें कि कंटेंट रहेगा, तो ये तो कंटेंट इसमें, और इसमें क्योंकि हम लोगों ने स्पैन में ये क्लास दिया था कार्ड टाइटल, इसलिए देखो इसको ये थोड़ा स्टाइलिंग हो गया, जबकि स्पैन बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता है, तो ये देखो बड़ा हो गया। और हमने जैसा पी दिया था कंटेंट, तो आप हेडिंग दे सकते हो यहाँ पर, ये आप कंटेंट दे दिए, और ये नीचे लिंक देखो, ये माउस ले जाने पर, ओवर करने पर ये कलर चेंज हो रहा है, ये बेसिक्स। अब क्या करते हैं, मान लो कि इसका कलर हमें चेंज करना है, ठीक है, ये तो व्हाइट कलर, अगर कलर चेंज करना है वो कैसे करेंगे, आप सिंपली कार्ड क्लास पे जाओ जहां पर अपने कार्ड यूज किया हुआ है, क्योंकि ये टॉप है ना, ये यही तो सबको होल्ड कर रहा है, तो इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैं दे रहा हूँ ऑरेंज कलर,
ऑरेंज दे रहे हैं, ये देखो ऑरेंज हो गया, ठीक है। और क्या करते हैं, मैं थोड़ा डार्क अगर करना चाहता देखता हूँ करके डार्कन, जैसे मैंने बताया पहली वीडियो में आप देख सकते हो कलर के बारे में मैंने बताया, तो डार्कन वन तो कलर को ये थोड़ा एक लेवल में ये डार्क कर देगा, ये देखो डार्क। अब अगर चाहते हैं कि इसका कलर टेक्स्ट कलर व्हाइट हो तो सिंपली क्या करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट को सिर्फ होल्ड किया है, मैं लिंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्स्ट को जो होल्ड किया वो कार्ड कंटेंट ने होल्ड किया, कार्ड कंटेंट के अंदर ही टेक्स्ट है, पेन और पी है। तो क्या करते हैं, कार्ड कंटेंट में हम लोग लिख देते हैं सिंपली व्हाइट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट को कलर करने का तरीका, कलर का नेम दो, हाइफ़न दो और फिर लिख दो टेक्स्ट, सिंपल है। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखो हो गया, ये आप काफी अट्रेक्टिव लग रहा है, ये माउस यहाँ ले जाओ तो ये इस तरह से होगा एनिमेशन, थोड़ा सा ट्रांजिशन के साथ, मैंने ट्रांजिशन के ऊपर भी वीडियो बनाया जो CSS3 का एक नया प्रॉपर्टी है। तो ये बन गया देखो कार्ड अट्रेक्टिव, और अभी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था एक बेसिक सा कार्ड जो आप सिंपली बना सकते हो, पूरा अट्रेक्टिव इसको बना सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब फ्रेंड्स अगर आप मान लो कि इस कार्ड में इमेज ऐड करना चाहते हो, जैसे होता है कार्ड वगैरह में कि इमेज यहाँ पर वो टॉप पे रहता है, तो आप अगर इमेज ऐड करना चाहते हो तो वो कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ करके, ठीक है। मैंने क्या किया, वीडियो अभी मैंने पॉज किया था और रिकॉर्ड करने से पहले मैंने एक इमेज यहाँ पर ऐड कर लिया, ये शायद ओपन हो, हाँ ये ओपन हो गया, बट होता क्या ना अक्सर, मतलब इमेज का साइज ज्यादा होता तो ओपन नहीं होता है, बट जो भी हो, ये देखो ये एक इमेज है, इसको हम लोग यूज करने वाले। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, आपको क्या करना है, देखो कार्ड के अंदर, आप गौर से देखो कार्ड के अंदर दो चीज, जैसे मैंने बताया कार्ड कंटेंट है और कार्ड एक्शन है, तो कार्ड के अंदर और एक चीज ऐड करना है टॉप पे यहाँ पर हम लोगों, सॉरी यार कार्ड के अंदर क्या ऐड करना है, एक डिव एलिमेंट लेना है फिर से, और यहाँ पर एक क्लास देना है कार्ड इमेज, सॉरी कार्ड इमेज, और हमें क्या करना है, एक यहाँ पर इमेज लेना है, ठीक है। तो इमेज सॉरी मतलब IMG टैग लेना है, और इसके सर्च एट्रीब्यूट देंगे, और ये जो है IMG फोल्डर के अंदर है, और इमेज के नाम कार्ड IMG और JPEG फाइल, ठीक है। इसको सेव करते हैं, अब पता नहीं यार रिस्पॉन्सिव क्या सीन आएगा नहीं आएगा, यार हमने तो ये नहीं यूज़ किया, ओ सॉरी सॉरी DP वाला यूज़ कर लिया था गलती से यार, एक सेकंड, कार्ड इमेज यूज़ कर रहे हैं ना, पता नहीं यार ये क्यों आ रहा है, कार्ड इमेज IMG, ठीक है। इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये देखो आगे काफी मस्त लग रहा है। मैं क्या करता हूँ, ऑरेंज कलर को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, तो जहां मैंने यूज किया था यहाँ पर ऑरेंज डार्क एंड ऑन, इसको बस सिंपली यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और कंटेंट में मैंने व्हाइट टेक्स्ट किया था इसको रिमूव कर देते हैं, तो क्या होगा कि टेक्स्ट व्हाइट हो जाएगा, ये देखो काफी ये मस्त लग रहा है। मान लो ये आपका ब्लॉग साइट है, मैंने जैसे अपने वीडियो में बताया कि ये materialize.css जैसे खत्म होता है मैं मिनिमम 5 प्रोजेक्ट लाऊंगा आपके लिए, एकदम रियल प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं यार कहीं से उठा लिया टेम्पलेट वगैरह आपको बता रहे लगो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, और मिनिमम 5, और हो सके तो अगर उसमें अच्छा लाइक्स और कमेंट्स आए, मतलब व्यूज अगर सही से आए, तो मैं और 5 प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि भाई सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है तो कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन का यहाँ पर प्रॉब्लम आता है मेरे को। जो भी हो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ब्लॉग पोस्ट हो, शैडो आ रहा है, मस्त लग रहा है एकदम, यहाँ पर इमेज आपने ऐड कर दिया सिंपली, आपका माय फर्स्ट पोस्ट टाइटल है, इस तरह कंटेंट है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सिंपल एकदम कार्ड इमेज आपको यूज कर डिव एलिमेंट में देना है, उसके अंदर इमेज दे देना है, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है। अब मान लो आप इमेज के अंदर यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा टेक्स्ट रहता है यहाँ पर, ठीक है, उसको अगर करना चाहते हो तो सिंपली आप इसको यहाँ से कट कर लो, यहाँ से कंट्रोल एक्स करके प्रेस कर कट कर लिया हमने, और इसको आप डाल देना कार्ड इमेज में इमेज के नीचे, और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, बस सिंपल है। अब रिफ्रेश करते हैं, अब देखना क्या होगा, ये देखो ये यहाँ पर चल गया। तो आप इस तरह से भी और अट्रैक्टिव बना सकते हो हेडिंग को इसके अंदर डाल के। तो ये था कैसे, तो अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि कार्ड में अब यहाँ पर कुछ एक्शन बटन कैसे ऐड कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे डिजाइन में, मतलब यहाँ पर नहीं, मैं मेरा माउस कर्सर देख रहा हूँ, यहाँ पर बीच में एकदम ऐड होता है कुछ बटन, प्लस या शेयर का बटन, तो उस तरह का बटन कैसे ऐड कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। बट देखो मैंने अभी तक बटन का वीडियो बनाया नहीं, ना आपने देखा बटन का वीडियो, तो क्या है कि मैं अभी बटन यूज करने वाला हूँ, बट आपको आप बस इसको देख के यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं इसके बाद बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सीन है बटन का, क्योंकि ऐसा होता है यार वीडियो बनाने के वक्त, क्योंकि एक चीज दूसरे से लिंक होती है तो दोनों को कवर करना एक साथ मुश्किल होता है। बट मैं अगले वीडियो में बटन के बारे में बताऊंगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा अगले वीडियो में, बट आप देखो समझो थोड़ा सा जितना आपको समझ में आए। क्या करना है हमें उस तरह के बटन के लिए, कार्ड इमेज में जाना है, ठीक है। उससे पहले मैं बता देता हूँ उस बटन में यूज होने वाला मटेरियल आइकन, मैंने एक वीडियो बनाया था फॉन्टोसम के ऊपर, जो आइकन्स का भी जो नया सीन आया है, क्या होता है कि फोटोशॉप यूज नहीं करते आइकन्स के लिए कोई भी, ज्यादातर मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम फॉन्टोसम यूज करते हैं, गूगल के मटेरियल आइकन यूज होता है ऐप में सारे जगह पे, तो फॉन्टेशन को तो मैंने वीडियो बनाया लेकिन मटेरियल आइकन के ऊपर नहीं बनाया, तो मैं उसके ऊपर बनाने वाला हूँ। तो उसमें क्या होता है आइकन हम लोग यूज कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पर यूज करने वाले हम लोग, तो उसके लिए पहले हम लोग उसको लिंक करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर जैसे गूगल में सर्च करता हूँ गूगल मटेरियल आइकन्स, इतना लिखने से या फिर मटेरियल आइकन लिखने से आ जाएगा, ठीक है। यार सॉरी यहाँ पर मैं CDN लिख के देखता हूँ, क्योंकि मुझे वो लिंक चाहिए, जैसे ये देखो मिल गया, इस पर क्लिक करो, लिंक इस तरह है google.github.io
उसका ये जो आप दिख रहा है मेटेरियल डिजाइन आइकन्स, थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पर सीडीएन जरूर अवेलेबल होगा मेरे हिसाब से। ये मिल गया सीडीएन, सीडीएन का मतलब कुछ नहीं, मतलब यार ऐसे मैं बोल रहा हूँ, लिंक जो ये टैग है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और हम लोग यहाँ पर कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हम लोगों ने मटेरियल आइकन को लिंक कर दिया। अब क्या करना है, कार्ड इमेज इमेज में आईएमजी के नीचे आप कहीं तो स्पैन के नीचे तो, बट कार्ड इमेज के अंदर होना चाहिए। मैं यहाँ पर लेता हूँ ए टैग लेता हूँ, और क्या करते हैं ए टैग में मैं यहाँ पर इसका क्लास दे रहा हूँ, क्लास देना है आपको बटन फ्लोटिंग, ठीक है, बटन फ्लोटिंग और हाफ वे वे या फिर फैब देना है, ठीक है, ये दे दिए। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं बट अभी, बट मैं आपको देखता हूँ। ये देखो बटन वाला थोड़ा सीन आ गया यहाँ पर राउंडेड। अब क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ पर वेव्स इफेक्ट एक क्लास ऐड कर रहा हूँ, जिससे वेव वाला इफेक्ट आएगा, मैं दिखाता हूँ क्या होता है वेव्स, वेव्स इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट ये ऐड कर दिया हमने। और एक दे रहे हैं वेव्स लाइट, ताकि इसमें लाइट भी थोड़ा आए, वेव्स लाइट, ठीक है। और इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखना ये माउस, ये देखो हो रहा है, कुछ इफेक्ट दिखता होगा आपको। अब क्या करते हैं, इस पर हम लोग कलर चेंज करते हैं, यार कलर ऑरेंज रखते हैं या रेड रखते हैं, मैं ऑरेंज दे रहा हूँ, ऑरेंज, इसके बैकग्राउंड कलर चाहते हैं इसलिए ऑरेंज दे दिए। और यहाँ पर मुझे चाहिए प्लस का आइकन, तो मैं क्या करूँगा, ये मटेरियल आइकन आपको समझ में नहीं आएगा, मैं उसको वीडियो बनाऊंगा तब देख लेना। सिंपली हमें वहाँ देना होता है कोई भी स्पैन या आई एलिमेंट यूज करते हैं, तो मैं इस ए टैग के अंदर आई एलिमेंट दे रहा हूँ, इसका क्लास नेम देना होता है हमें मटेरियल, ठीक है, क्लास नेम देना होता है मटेरियल आइकन, आइकन्स, ठीक है। और इसके अंदर हमें लिखना होगा ऐड, क्योंकि वो ऐड वाला सिंबल चाहिए, हो सकता है आपको समझ में आया, सॉरी यार, लेकिन मैं बनाऊंगा वीडियो इसके ऊपर। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखो आगे ना, जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं ये देखो ये इफेक्ट आ रहा है, एक जहाँ पर भी क्लिक कर रहे हैं ये वेव्स वाला इफेक्ट आ रहा है, तो इस तरह बटन इसको ऐड कर सकते हो इसमें। और अगर फ्रेंड्स आप इस बटन को लार्ज करना चाहते हैं, मतलब बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, सिंपली जाना है एडिटर पे और आपको क्लास ऐड कर देना बटन में, बटन लार्ज, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे बटन लार्ज, ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये देखो बटन अब बड़ा हो गया पहले से। अगर आप बटन बड़ा चाहते हैं, बड़ा मतलब अगर आपको चाहिए, तो आप बटन लार्ज क्लास को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग किसी दूसरे तरह का कार्ड बनाएंगे, मैं मुझे लगता है वो इससे भी थोड़ा अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा। उसमें क्या होता है, मैं जो कार्ड अभी बनाने वाला हूँ उसमें कंटेंट इतना सारा दिखेगा नहीं, ठीक है, ये इमेज रहेगा और एक दो लाइन कंटेंट रहेगा, उतना भी नहीं, बस उस पर क्लिक करने से पूरा जो हम लोग और एक्स्ट्रा कंटेंट शो कराना चाहते हैं उसको हम लोग शो करा सकते हैं। तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, मैंने अभी कुछ देर पहले वीडियो बनाया था इस पर, मतलब इसी बनाने दौरान तो क्या हो रहा था यार, बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने फिर से इसको स्टार्ट किया। जो भी हो, तो क्या करते हैं, इस कार्ड को मैं टोटली रिमूव कर दे रहा हूँ, फिर कार्ड के अंदर जो है, कार्ड को मैं रिमूव नहीं करता, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर खत्म हो रहा है, मतलब कार्ड के अंदर जो भी चीज़ हम, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया कार्ड का पूरा कार्ड, ये देखो कुछ भी नहीं है, बस कार्ड है, क्योंकि इसको फिर से मैं लिखना नहीं चाहता। तो अब डिव एलिमेंट ले लो, कार्ड क्लास कार्ड दे दो। अब इसके अंदर हम लोग तीन चीज देंगे, ठीक है, तो पहला एक डिव एलिमेंट लेते हैं जिसका क्लास नेम देते हैं कार्ड इमेज, ठीक है, इसके अंदर नहीं इसके बगल में फिर और एक डिव एलिमेंट लेंगे जिसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ कार्ड कंटेंट, ठीक है, और एक डिवेलपमेंट लेंगे इस बार कार्ड एक्शन नहीं, बिल्कुल भी नहीं कार्ड एक्शन लेंगे, यहाँ पर हम लोग डिवेलपमेंट लेंगे जिसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ कार्ड रिवेल, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब क्या है कि इमेज में, जैसे इमेज देना है तो मैं यहाँ पर इमेज दे रहा हूँ आईएमजी और एसआरसी देता हूँ सोर्स के, सॉरी मतलब उस इमेज का लिंक है, मतलब एड्रेस, तो यहाँ पर मैं देता हूँ आईएमजी, यार हो क्यों नहीं रहा, ओ सॉरी डबल इज इक्वल टू दे दिया था आईएमजी, उसके अंदर कार्ड इमेज और जेपेक, ये तो हो गया। इसको रिफ्रेश करके अगर देखेंगे तो जरूर कार्ड इमेज यहाँ पर आएगा, ठीक है, सिंपल है। अब इसमें एक क्लास ऐड करना है एक्टिवेटर, ताकि इमेज पे क्लिक करने पर वो चीज जो हम लोग कंटेंट जो छुपाए रखे हुए हैं उस छुपाया हुआ कंटेंट शो, इसीलिए यहाँ पर एक्टिवेटर करना है क्लास ऐड, एक्टिवेटर क्लास ऐड करना है, ठीक है, एक्टिवेटर क्लास हमने ऐड कर दिया। अब क्या करना है, कंटेंट में ऐड करना है, कंटेंट में क्या करना है, स्पैन लेना है, स्पैन एलिमेंट लेना है हमें, ठीक है, मैं यहाँ पर इमेट एक्सटेंशन ज्यादा यूज नहीं करता यार, बहुत लोग बोलते हैं समझ में नहीं आता यार क्या कर रहे हो, तो स्पैन लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, स्पैन क्लास में मैं ले रहा हूँ कार्ड टाइटल, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं एक्टिवेटर एक क्लास ऐड कर रहा हूँ, ताकि स्पैन एलिमेंट जो टिक्स है उस पर क्लिक करने पर वो चीज ओपन हो, तो एक्टिवेटर एक्टिव हो गया, वेटर एक्टिवेटर, ठीक है, इस पर मैं कुछ भी ले दे रहा हूँ, जैसे दिस इज
पोस्ट या कुछ भी देते हैं, फर्स्ट पोस्ट देते हैं ना, फर्स्ट पोस्ट अपन देते हैं यहाँ पर। और इसमें एक और एक मटेरियल डिजाइन वाला क्लास ऐड करना है, तो मैं इसके लिए देता हूँ यहाँ पर आई टैग और क्लास इसका ऐड कर देता हूँ मटेरियल। अभी नहीं करता इसको, मैं बाद में करूंगा, आपको कंफ्यूजन ना हो यार, ये चीज मैं अभी नहीं करूंगा। और इसके लिए सिंपल एक पी टैग देते हैं, और इसमें यार ऐसा क्यों हो रहा है, वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो जा रहा है, सॉरी यार फिर से, बट मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ इसलिए वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है। ए एच रेफ देते हैं, है सिंपल, यहाँ पर कुछ नहीं, मैं इसे कंटेंट दे रहा हूँ सिंपल लिंक, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है हमें अभी शो के लिए, ठीक है। इसको अब रिफ्रेश करते हैं, यार कहाँ ऐसा आवाज आ रहा है, ठीक है जो भी, सॉरी उस आवाज के लिए बैकग्राउंड में जो आ रहा है। तो यहाँ पर हमने सिंपल लिंक दे दिया, बस ये दे दिया। अब क्या करते हैं, कार्ड रिवेल के अंदर जल्दी से कंटेंट ऐड करते हैं। ये जो हमारे पास ये कंटेनर है, इसे मैं दे रहा हूँ स्पैन, ठीक है स्पैन, और यहाँ पर क्लास देते हैं कार्ड टाइटल, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी देते हैं माई टाइटल जो हम लोग चाहते हैं यहाँ पर देना, आप दे सकते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, माई टाइटल, ठीक है, पागल है क्या, हाँ दे यार जो भी हो, तो माई टाइटल दे दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक आई एलिमेंट आई टैग लेते हैं और इसका क्लास ऐड करते हैं, क्योंकि ये जो खुले ना उसके बाद उस क्लोज पे एक क्लोज आइकन आएगा जिस पर क्लिक करने पे क्लोज भी हो सके, इसलिए। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लेना है, आपको यहाँ पर मटेरियल आइकन क्लास ऐड करना है, मटेरियल आइकन्स, और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ राइट साइड में पुश करना चाहता हूँ, ये कॉर्नर पे राइट साइड पे, इसलिए मैंने राइट क्लास यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर इसके अंदर कंटेंट देते हैं क्लोज, तो ये क्लोज आइकन आ जाएगा। और इस पेन के नीचे एक पी टैग देते हैं, इसमें कुछ भी कंटेंट देते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ लॉरम 15 आ गया। अब क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, अब इसको देखते हैं रिफ्रेश करके होता है या नहीं होता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो आ गया ये, अब जैसे क्लोज पे क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा, इमेज पे भी करने पे आ जाएगा, क्योंकि इमेज पे भी हमने एक्टिवेटर क्लास ऐड किया करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये था भाई सिंपल। अब क्या कर, थोड़ा एनिमेशन अगर इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, अगर चाहते हैं इमेज पे क्लिक करूँ तो वेब वाला एनिमेशन आए, तो उसके लिए मुझे जल्दी से यहाँ पर करना होगा, यार बहुत ज्यादा लेंथ हो जा रहा है वीडियो का। यहाँ पर मुझे कुछ क्लासेस यहाँ पर ऐड करने होते हैं, यहाँ पर जैसे वेब्स हो गया या फिर इस तरह कुछ क्लासेस यहाँ पर हम लोग, तो एडिटर पे जाते हैं और यहाँ पर इमेज पे क्लास ऐड करते हैं, तीन चार क्लास ऐड करना है, ठीक है, वेब्स इफेक्ट, तक वेब्स इफेक्ट आ सके, और यहाँ पर देना वेब्स ब्लॉक, ये डॉक्यूमेंटेशन में ये देना पड़ता है वेब्स वगैरह इफेक्ट के लिए, ठीक है। मैं अलग से एक्सप्लेनेशन इसका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि जैसे मैंने आपको पहले बताया भाई, एक चीज में बहुत सारी चीज लिंक होता है, तो एक वीडियो में सारा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं, सिर्फ यहाँ पर हम लोग कार्ड को फोकस करें। जब वेब्स का वीडियो मैं बनाऊंगा तो वेब्स के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब बस यहाँ पर सिंपली ऐड करते जाइए, अब वेब्स ब्लॉक हो गया, और एक करना वेब्स लाइट, अब इसको सेव करते हैं। आप देखना इस बार इमेज पे जैसे क्लिक करूंगा एनिमेशन वाला इफेक्ट हुआ नहीं यार, क्यों नहीं हो रहा, रिफ्रेश करते हैं, हो नहीं रहा भाई, देखना पड़ेगा कहीं कुछ गलत है क्या, सॉरी कुछ तो गलत है शायद, इसको इमेज में नहीं, सॉरी इसको कार्ड इमेज क्लास पे ऐड करना था, सॉरी। अब रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, ये देखो क्लोज करते हैं, ये देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये देखो आ रहा है इफेक्ट व्हाइट कलर का, काफी मस्त, जहां से क्लिक करें इधर करें तो इधर से आ रहा वेव्स वाला इफेक्ट, तो काफी मस्त यार ये इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हो। अब मैं और चीज आपको बता रहा था कि हम लोग यहाँ पर थ्री डॉट्स भी चाहेंगे तो दे सकते हैं मटेरियल आइकन्स के द्वारा, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो ये हमारा फर्स्ट पोस्ट है इसके, तो मैं यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर सिंपली मैं देता हूँ आई टैग और मैं इसका क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, मटेरियल आइकन्स। मैं वीडियो बनाऊंगा मटेरियल आइकन पर, आप चिंता ना करें, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, काफी आसान है इसको यूज करना। और कुछ क्लास हम हर एलिमेंट में आपको मटेरियल आइकन्स क्लास ही यूज करना पड़ेगा, और उस आइकन का नेम इस टैग के अंदर देना, वो डिटेक्ट कर लेता। तो जैसे मैं जरा मूव वर्ड, तो इससे क्या हुआ कि वो वाला आ जाएगा, आया नहीं यार, अब क्या हो गया, सॉरी मूव नहीं था, मोर था, ठीक है, क्योंकि याद रखना पॉसिबल नहीं होता यार, इतना सारा आइकन्स है। तो इसको मैं चाहता हूँ यार इस पे भी क्लिक करें, क्योंकि ये भी इसका पार्ट है, इसके अंदर ही ना है। अब देखो मैंने एक्टिवेटर यूज किया, स्पैन के अंदर ही आई है, तो आई पे भी मतलब इस पे भी सिंपली क्लिक करोगे तो वही होगा। तो मैं चाहता हूँ ये इधर आया, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिंपली इस आई एलिमेंट के क्लास में मैं इसमें बस राइट ऐड कर देता हूँ, राइट क्लास, ताकि ये राइट साइड में आ जाए। ये देखो हो गया राइट साइड में, अब कहीं पर भी करो इस एलिमेंट पे बस होना चाहिए क्लिक, तो ये देखो इस पे करने से ये आ जा रहा है, जो हमने यहाँ पर कंटेंट हम चाहते हैं कि ये शो हो क्लिक होने पर। तो उसमें आपको क्या करना है, बस सिंपल कार्ड रिवल के अंदर सारे कंटेंट ऐड कर देना जो आप शो करना चाहते हो क्लिक करने पर, और ये क्लोज आइकन हमने जो ऐड किया ही था पहले, और इस इमेज पे करने से भी होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जिस चीज पे भी एक्टिवेटर क्लास ऐड करोगे, अगर मैंने अगर इमेज से मान लो एक्टिवेटर क्लास रिमूव कर दिया ना,
तो वो चीज होगा ही नहीं। देखो मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, रिफ्रेश करते हैं, देखना इमेज पे कितना भी करेंगे ये इफेक्ट आएगा बस, लेकिन ये ओपन नहीं होगा क्योंकि आपको एक्टिवेटेड क्लास ऐड करना। तो ये था इस तरह का कार्ड। अब हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में थोड़ा सा डिप्थ में। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसमें ऐड करते हैं कार्ड एक्शन और देखते हैं क्या होता है। तो हमने जैसे कार्ड में यूज किया कार्ड इमेज, यूज किया कार्ड कंटेंट और कार्ड रिवल, ठीक है। तो मैं इसके बीच में या फिर नीचे में आप जहां भी चाहें दे सकते हैं क्योंकि ये नीचे वाला थिंग विजिबल है। तो मैं डिप एलिमेंट लेता हूँ, क्लास सिंपल दे रहा हूँ कार्ड एक्शन, ठीक है, जो कि हमने कुछ देर पहले यूज किया था, रिमूव कर दिया था। सिंपल इसमें ए टैग लेते हैं और एच टैग में कुछ भी नहीं देते हैं, हैश और सिंपल देते हैं लिंक, ठीक है, लिंक देते हैं और एक ए टैग लेते हैं और इसका देते हैं एच रेफ, फिर हैश देते हैं और इसको लिखते हैं अनदर लिंक, ठीक है, और इसको सिर्फ अब रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। ये आ गया, अब क्लिक करते हैं इनमें, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको यूज कर सकते हैं कार्ड एक्शन को। ये देखो हाँ, क्योंकि हमने इमेज में अभी रिमूव कर दिया था ना एक्टिवेटर, तो एक्टिवेटर लगा देते हैं यार, क्यों रिमूव किया था हमने, हाँ दिखाने के लिए आपको एक्टिवेटर, सॉरी यार। तो ये देखो इमेज पे भी क्लिक होने पर हो रहा है। आप एक चीज नोट करना, जैसे क्लिक करें तो ये एक्शन चल जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये एक्शन रहे तो आप सिंपली एक चीज कर सकते हो, कार्ड क्लास में आपको ऐड करना होगा स्टिकी एक्शन, स्टिकी एक्शन। अगर आप चाहते हो कि एक्शन वाले जो लिंक से वो रह जाए तो इस पे क्लिक किया, या रह नहीं रहे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में तो इन्होंने बताया है कि स्टिकी एक्शन ऐड करने से होगा। शायद मुझे कार्ड में नहीं, कार्ड एक्शन में ऐड करना होगा, पता नहीं यार, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में तो इन्होंने बताया। तो फ्रेंड्स मैंने फिर से इसको मतलब रिकॉर्डिंग को रोक लिया था, मैं पता नहीं उस वक्त क्यों नहीं हो रहा था, बट मैंने फिर से कार्ड क्लास में, मैंने जैसे आपको पहले दिखाया कि कंटेनर में कार्ड में मैंने स्टिकी एक्शन ऐड किया और इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करने से इस बार तो काम कर रहा है। ये देखो जो एक्शन से ये नहीं जा रहा, ये रह रहा है यहाँ पर, अब कुछ भी करो तो ये यहाँ पर नहीं, ये रिमूव नहीं होगा, तो इस वक्त हो जा रहा, पता नहीं उस वक्त क्यों नहीं हो रहा था, मुझे नहीं पता। बट आपको क्या करना है, सिंपली स्टिकी एक्शन क्लास ऐड करना इस कार्ड में कंटेनर पे और ये हो जाएगा। देखो इस पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी रह रहा है और इस पे भी क्लिक कर रहा हूँ तब भी रह रहा है। तो ये था स्टिकी एक्शन। तो अब फ्रेंड्स लास्ट चीज एक बज गया, हॉरिजॉन्टल कार्ड के। हॉरिजॉन्टल कार्ड कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है, ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है उसमें भी, एकदम सेम टू सेम इसी तरह। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ यार, कोड बहुत ज्यादा गैदरिंग हो जाते हैं यहाँ पर ये खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो हाँ चलो रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जल्दी से बनाते हैं। तो आपको क्या करना, डिव एलिमेंट लेना, इसका क्लास तो कार्ड होगा ही, ठीक है, कार्ड होगा ही, साथ में इसमें क्लास ऐड करना है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये एक आपने कर दिया। अब आपको कार्ड इमेज, जैसे मैं यहाँ पर मान लो इसमें कार्ड इमेज यूज करना है, तो मैं डिव एलिमेंट लेता हूँ और उसका क्लास नेम दे रहा हूँ कार्ड इमेज। अब जो इमेज यूज करेंगे, मैंने फिर एक इमेज बनाया फोटोशॉप से और ये रहा, ये 150 बाय कुछ का है, ठीक है, जो भी हो साइज इसका, इस तरह कुछ मैं हॉरिजॉन्टल के लिए बनाया इसको, इसलिए नहीं तो फिर दिक्कत होता है यार, अजीब दिखता है, ठीक है। अब जैसा इमेज चाहे ले सकते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पर IMG टैग लगाता हूँ SRC और IMG फोल्डर के अंदर है कार्ड HR.jpg फाइल, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, हम सिंपल क्या करते थे, कार्ड कंटेंट लेते थे और कार्ड एक्शन लेते थे, यहाँ पर भी वही करना है, बट यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पहले डिव एलिमेंट लेना है और उसके अंदर इन दोनों को डालना है। डिव एलिमेंट का नेम होगा डिव क्लास कार्ड स्टैक, ठीक है, ये जैसे कर दिया, अब इसके अंदर हमें देना होगा डिव एलिमेंट जो होगा, तो सेम ही बस थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पर देना कार्ड कंटेंट जैसे हम लोग पहले देते थे कार्ड कंटेंट, ठीक है, और इसके अंदर स्पैन एलिमेंट, इसका क्लास नेम देंगे हम लोग कार्ड टाइटल, ठीक है, कार्ड टाइटल, और उसमें देते हैं माय फर्स्ट पोस्ट, ठीक है, और एक पी एलिमेंट देते हैं जिसमें लोअरम मैं दे रहा हूँ 20 दे रहा हूँ। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है, मैंने कार्ड एक्शन में ऐड नहीं किया, ये देखो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। कार्ड एक्शन चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ध्यान रखिए कि इसको कार्ड स्टैक फोल्डर के, सॉरी फोल्डर बोल रहा हूँ मैं, इस एलिमेंट के अंदर रखना है जिसका क्लास डिव कार्ड स्टैक है, इसके अंदर कार्ड कंटेंट जाएगा और जाकर एक और डिव एलिमेंट ऐड करते हैं कार्ड एक्शन, ठीक है, और एक्शन में जैसे हम लोग जानते हैं ए टैग देते हैं HREF और यहाँ पर कुछ नहीं, लिंक इसका टेक्स्ट जाएगा, फिर ए टैग HREF, लिंक कुछ नहीं, मैं दे रहा हूँ अनदर लिंक, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपन, ये देखो यार मस्त बन गया एकदम, ये हॉरिजॉन्टल, इसको भी आप विड्थ सेट कर सकते हो, तो जैसे मैंने उसमें किया था, स्टाइल देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रिड सिस्टम यूज नहीं किया तो हम लोग यहाँ पर विड्थ ही देंगे,
300px अगर ग्रिड सिस्टम यूज करते तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अरे यार काफी कम हो गया, मैं इसको 500 पे लगाता हूँ। ये देखो एक प्रॉब्लम देख रहा है, ये चीज इसमें आता है यार, मैं भी इस चीज को सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होता है। ये देखो इमेज का साइज जितना है ना, कंटेंट उतना देना होगा। जैसे मैं अगर कंटेंट कम कर देता हूँ तो ये सही हो जाएगा। ये इसका है, ये मेटेरियलाइज वालों की सॉल्व करना चाहिए इशू। ये देखो अगर कंटेंट कम हुआ तो ये फिर सही हो जाएगा, लेकिन कंटेंट जैसे मैं ज्यादा दूंगा जाहिर सी बात ये बड़ा होगा, तो इसका मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा। बट ये था ओरिएंटल कार्ड। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में देखा कि कार्ड कितने तरह का होता है और कितने अच्छे से हम लोग अट्रैक्टिव बना सकते हैं वेबसाइट को कार्ड को यूज करके।